गाइस टेक्निकल आईडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको एक काफी पावरफुल एक इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा। इस इन्वर्टर से आप 200 वाट तक के किसी भी लोड को चला सकते हो। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है घर का बिजली, ये हमेशा कट होते रहता है। और जब बिजली नहीं रहेगा आप इस इन्वर्टर से मोबाइल चार्ज कर सकते हो, फैन चला सकते हो, बल्ब जला सकते हो, काफी सारे चीज जो है इस इन्वर्टर से चला सकते हो। तो काफी पावरफुल और एक मस्त सा इन्वर्टर होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इन्वर्टर को बनाना। तो गाइस इस इन्वर्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक इस टाइप का इन्वर्टर सर्किट बोर्ड ले लेना है। ये लोकल मार्केट से लिया हूँ 100 रुपए में। ऑनलाइन लेने जाओगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। इसका ऑनलाइन बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। देखिए ये काफी पावरफुल इन्वर्टर सर्किट बोर्ड है, 200 वाट आउटपुट देता है, लेकिन इसमें इनबिल्ट कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है, तो अलग से हमें इस सर्किट बोर्ड में एक ट्रांसफार्मर जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा। ये काफी बड़े साइज का ट्रांसफार्मर है, देख सकते हैं 12012 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और इस साइड में देखिए 2120 अलग से निकला हुआ है, तो इसका हमें जरूरत नहीं, सिर्फ 12012 का ट्रांसफार्मर चाहिए। और आपको यहाँ पर एम्पियर जो है 5 से लेकर 10 एम्पियर के बीच में ही ट्रांसफार्मर यूज करना है। ज्यादा का लगाओगे तो बढ़िया आउटपुट निकल के आएगा। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को और इस सर्किट बोर्ड को हमें एक प्लाईवुड के ऊपर जो है फिट करना है। तो उसके लिए मैं एक प्लाईवुड का पीस कटिंग कर लिया हूँ। इसका लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 13.5 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप का एक प्लाईवुड का पीस कटिंग कर लेना है और इसके ऊपर इन दोनों को फिट करना है। ट्रांसफार्मर को मैं इस टाइप से यहाँ पर स्क्रू लगाकर टाइट कर दूंगा और सर्किट बोर्ड को भी यहाँ पर स्क्रू लगाकर टाइट कर दूंगा। ये जो खाली जगह है यहाँ पर एक पावरफुल बैटरी पैक लगाऊंगा, वो बाद में लगाऊंगा, पहले इन दोनों को स्क्रू लगाकर इसके ऊपर टाइट कर लेता हूँ। तो गाइस ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड को प्लाईवुड के ऊपर मैं स्क्रू लगाकर बढ़िया से टाइट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर सर्किट बोर्ड के साथ ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना पड़ेगा वायर से। तो यहाँ पर मैं 3 वायर ले लिया हूँ। अब इन तीनों वायर को ट्रांसफार्मर के यहाँ पर कनेक्शन करना होगा 12012 पर। तो गाइस तीनों वायर को कनेक्शन करके निकाल लिया हूँ ट्रांसफार्मर से। अब इन तीनों वायर को इस सर्किट बोर्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सर्किट बोर्ड को यहाँ से खोलकर निकाल लेता हूँ। तो देखिए गाइस ये जो 3 ट्रांसफार्मर का वायर है इस वाले पॉइंट पर लगा देना है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर। ये जो 12 वोल्ट वाला दोनों वायर है रेड कलर के, इन दोनों वायर को यहाँ पर सोल्डिंग करके कनेक्शन कर देना है। और बीच में जो ये 0 वोल्ट का वायर है ये वाला वायर को इस वाले पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर देना है, ये जो डायोड लगा हुआ है इस डायोड के पॉइंट पर। इसके बाद गाइस और 2 वायर ले लेना है, एक रेड कलर का वायर और एक ब्लैक कलर का वायर। इसमें से जो रेड कलर का वायर है यहाँ पर देखिए, ये 0 वोल्ट वाला जो वायर ट्रांसफार्मर से सर्किट बोर्ड में कनेक्ट हुआ है इस वाले पॉइंट पर रेड कलर के वायर को सोल्डिंग कर देना है। ये जो बड़ा वाला पॉइंट आप देख रहे हो इसमें ये ब्लैक कलर का वायर को कनेक्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ सर्किट बोर्ड का वायर से कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इस सर्किट बोर्ड को फिर से हमें यहाँ पर सेट करके स्क्रू से टाइट कर देना है। तो गाइस फिर से सर्किट बोर्ड को बढ़िया से इसमें टाइट कर दिया हूँ। अब इन दोनों वायर पे हमें 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा, तभी इस ट्रांसफार्मर के एसी इनपुट पॉइंट से एसी आउटपुट मिलेगा, वो भी 200 वाट तक का आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर हम 200 वाट के एसी किसी भी लोड को लगाकर चला सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बैटरी पैक बनाना पड़ेगा और वो भी काफी पावरफुल बैटरी पैक। तो चलिए जल्दी से बैटरी पैक इसका बना लेता हूँ। तो गाइस बैटरी पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैं काफी सारे लिथियम फॉस्फेट बैटरी लेके आ चुका हूँ। इसमें टोटल जो है 12 पीस बैटरी है और देखिए इसमें से ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, लेकिन दोनों बैटरी जो है बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसका जो ये हीट सिंक है इस बैटरी का ये उतर गया था, तो मैं टेप लगाकर इसको पूरा कवर कर दिया हूँ। नॉर्मली आप इस टाइप के बैटरी देखे होंगे, लेकिन ये बैटरी देखिए ये इससे काफी ज्यादा मोटा है और काफी पावरफुल भी है। ये 1200 mAh का, देखिए 1200 mAh का बैटरी है और ये सिंगल सेल 6000 mAh का है। काफी ज्यादा पावर है इस एक बैटरी के अंदर। ये जो छोटा वाला बैटरी है ये 18650 लिथियम आयन बैटरी है और ये जो बड़ा वाला बैटरी है ये 32700 लिथियम फॉस्फेट 6000 mAh का बैटरी है। दोनों का वोल्टेज जो है अलग अलग है। ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है, फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट आउटपुट देता है, और ये 3.2 वोल्ट का बैटरी है, फुल चार्ज होने पर 3.65 वोल्ट आउटपुट देता है। और इन लिथियम आयन बैटरी को यूज करके आप अगर 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाते हो तो उस जगह पर आपको टोटल 3 बैटरी पैक को सीरीज में कनेक्शन करके 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाना होगा। और आप अगर लिथियम फॉस्फेट बैटरी का यूज करते हैं तो उस जगह पर आपको टोटल 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करके 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाना होगा। तो इन दोनों बैटरी में से किसी भी
बैटरी को यूज करके आप एक 12 वोल्ट बैटरी पैक बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस लिथियम फॉस्फेट बैटरी का यूज करूंगा क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है काफी ज्यादा है। मान लीजिए ये लिथियम आयन बैटरी अगर 5 साल तक चलता है तो उस जगह पर ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है 10 साल तक चलेगा, खराब ये बिल्कुल भी नहीं होगा, काफी पावरफुल बैटरी है। और इस लिथियम आयन बैटरी से ये फॉस्फेट बैटरी काफी महंगा है, ये मुझे 50 रुपए का एक सेल मिला था। और ये जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है मैं लोकल मार्केट से लिया हूँ तो ये जो है 280 रुपए में मिला है, ऑनलाइन काफी ज्यादा रेट है। मैं फिर भी इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप बिजली परचेस कर सकते हो इस लिथियम फॉस्फेट बैटरी को। तो चलिए जल्दी से मैं बैटरी पैक बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं 12 बैटरी ले लिया हूँ, इसमें से 3-3 करके हमें जो है 4 बैटरी पैक जो है रेडी कर लेना है। तो गाइस 3 बैटरी को मैं हॉट ग्लू से चिपका कर 4 बैटरी पैक बनाने के बाद चारों बैटरी पैक को मैं सीरीज में यहां पर टेप लगाकर चिपका दिया हूं। देखिए इसका पॉजिटिव, फिर दूसरे का नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, फिर दूसरे का नेगेटिव, इस टाइप से आपको पलट पलट के आपस में चिपका कर एक बैटरी पैक बना लेना है। अभी गाइस इस बैटरी पैक में कनेक्शन करना है, काफी ईजी है। देखिए इधर में जो ये पॉजिटिव है सभी बैटरी का, तीनों बैटरी को पैरेलली जोड़ देना है, इसका भी पैरेलली जोड़ देना है, इसका भी जोड़ देना है, इसका भी पैरेलली जोड़ देना है, फिर उसके बाद चारों बैटरी पैक को सीरीज में कनेक्शन करना है। तो गाइस इस बैटरी पैक का कनेक्शन करने के लिए मैं यहां पर स्पॉट वेल्डिंग मशीन का यूज करूंगा। स्पॉट वेल्डिंग मशीन को मैं खुद बनाया हूं, इसका फुल मेकिंग वीडियो देखने के लिए इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। और ये स्पॉट वेल्डिंग काफी कम पैसे में आप घर पे ही इजीली बना सकते हो इस वीडियो को देखकर। नॉर्मली आप इस बैटरी पैक को जो है सोल्डिंग आयरन से भी कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन ये हीट की वजह से लाइफ जो है घट जाता है, स्पॉट वेल्डिंग बेस्ट रहता है, आप चाहो तो कर सकते हो सोल्डिंग आयरन से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूं। और ये रहा निकल स्ट्रिप, देख सकते हो मैं निकल स्ट्रिप ले लिया हूं, इसी से हम स्पॉट करके कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए मशीन को कर देता हूं ऑन। तो गाइस बैटरी को स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद मैं टेप लगाकर पूरा कवर कर दिया हूँ। चारों बैटरी का जो सीरीज कनेक्शन है वो मैं आपको दिखा दूँ कैसे हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये इसका 0 वोल्ट है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है हमारा 0 वोल्ट और ये हमारा जो है 12.8 वोल्ट। तो गाइस बैटरी का जो सीरीज कनेक्शन है कुछ इसी डायग्राम को देखकर आपको कर देना है। और ये यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट है पूरे बैटरी पैक का और ये नेगेटिव आउटपुट है। अभी इस बैटरी को चार्जिंग और प्रोटेक्शन करने के लिए हमें इसमें एक BMS लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इस वाले BMS का यूज करूंगा, ये एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी का BMS है। आप यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का BMS लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, बैटरी ओवरचार्ज कर देगा और बैटरी खराब भी हो सकता है। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में लिथियम फॉस्फेट BMS ही लगाना है आपको। देखिए इसमें एक टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है, तो काफी बढ़िया BMS है। चलिए जल्दी से मैं कनेक्शन कर देता हूं। कनेक्शन करना काफी इजी है, इसका पूरा कनेक्शन डायग्राम और बैटरी का भी कनेक्शन डायग्राम मैं साइड पे इमेज पे दे रहा हूं, इसको देखकर आप कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्शन कर देता हूं BMS का। तो गाइस BMS का कनेक्शन करने के बाद मैं मास्किंग टेप से पूरे बैटरी को कवर कर दिया हूँ। और ये जो दो वायर है ये आउटपुट का वायर है, यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं और इसी वायर से हम चार्जिंग भी करेंगे इस बैटरी को। तो चलिए वोल्टेज इसका चेक कर लेते हैं सही से ये बैटरी आउटपुट दे रहा है या नहीं। देखिए गाइस 13.45 वोल्टेज जो है अभी दिखा रहा है, तो मतलब बैटरी पैक जो है एकदम ओके बना है। और इस बैटरी का जो पावर है कितना AH का बना है वो मैं बता दूं। देखिए 3 बैटरी यहां पर पैरेलली कनेक्ट है, तीनों बैटरी जो है 6000 mAh का है, तो तीनों बैटरी को मिला के यहां पर 18 AH का ये पूरा बैटरी पैक जो हमारा बना है 12 वोल्ट का। तो अब इस पावरफुल बैटरी पैक को इसके साथ फिट कर देता हूं। ये जो खाली जगह है यहां पर सिंपली हमें चिपका देना है इस तरीके से, तो चिपकाने के लिए मैं डबल साइड टेप का यूज करूंगा।
तो गाइस बैटरी पैक को इसके साथ चिपका दिया हूँ। यहाँ पर आप हॉट ग्लू लगाकर भी बैटरी को चिपका सकते हैं। मैं डबल साइड टेप से चिपकाया हूँ। अब जो है कनेक्शन वगैरह इसका बाद में करेंगे, पहले इसके लिए एक बॉडी फ्रेम रेडी कर लेते हैं। तो इसको साइड में रख देता हूँ। बॉडी फ्रेम बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा पीवीसी पाइप। ये है 110 mm डायमीटर का एक पीवीसी पाइप। इसका जो लंबाई है 14.5 सेंटीमीटर का है। तो इस टाइप का आपको एक पीवीसी पाइप जो है कटिंग कर लेना है। काफी बड़ा पाइप था, उसमें से मैं कटिंग करके इसको पहले से ही रख लिया था। अब क्या करना है, इस पाइप को बिल्कुल बीच में से कटिंग करना है, दो पीस बनाना है। तो चलिए इसको कटिंग करके लेके आता हूँ। तो गाइस पाइप को कटिंग करके दो पीस बना लिया हूँ। अब इसके साथ में आपको दो पीवीसी शीट चाहिए। इस पीवीसी शीट का जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 14.5 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से दो पीस कटिंग कर लेना है। अब इन सभी को आपस में जोड़कर एक बॉक्स बनाना है। देखिए सबसे पहले एक पीवीसी शीट नीचे रख देना है। अब ये दो कटा हुआ जो पाइप का पीस है, इन दोनों को दोनों साइड से कुछ इस टाइप से चिपका देना है। दूसरा जो पीवीसी शीट है इसको बीच में इस तरीके से दोनों के अंदर डाल देना है और इसे भी दोनों साइड से चिपका देना है। तो चिपकाने के बाद ये कुछ इस टाइप का फ्रेम बन जाएगा। अब इसके दोनों साइड का कवर कटिंग कर लेना है। तो मैं पहले से इस सीट को कटिंग करके रखा था। अब इन दोनों को इस साइड पे लगाना है। एक को हम बाद में लगाएंगे और एक को अभी इसके अंदर डाल के चिपका देते हैं। तो गाइस एक साइड का कवर को चिपका दिया हूँ इसके साथ में, और देखिए थोड़ा सा फेस से अंदर करके चिपकाया हूँ ताकि देखने में ये बॉक्स अच्छा लगे। तो अब हमें क्या करना है, दो एसी सॉकेट ले लेना है आउटपुट के लिए। इन दोनों सॉकेट को हम इस जगह पर फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। और जो इसका दूसरा साइड का जो कवर है इसके ऊपर कुछ सामान लगाना है, जैसे कि ये एसी बल्ब होल्डर, इसको बीच में होल करके लगा देंगे। और इसमें ये मैं एक बैटरी लेवल इंडिकेटर लगाऊंगा, इससे हमें बैटरी कितना चार्ज है वो सब पता चलेगा। तो इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। और साथ में ये दो स्विच लगाऊंगा, एक इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए और एक जो है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इन सभी को हम ग्रुप बनाकर इसमें फिट कर देते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर सभी चीज को बढ़िया से अपने हिसाब से सेट कर लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए पीवीसी सीट को थोड़ा सा डिजाइन बनाकर इन दोनों सॉकेट को यहाँ पर फिट किया हूँ। और ये आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर जो है सेट करके लगा सकते हैं। तो अभी जो है कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए मेन जो हमारा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है उसका जो एसी आउटपुट है, इस मेन एसी आउटपुट को इन दोनों सॉकेट पे जो है कनेक्ट कर देना है वायर से। दोनों सॉकेट पैरेलली डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। तो चलिए जल्दी से कनेक्शन कर लेता हूँ इसका। तो गाइस ट्रांसफार्मर के दोनों आउटपुट वायर को मैं दोनों एसी सॉकेट के साथ जोड़ दिया हूँ। अब चलिए इस पूरे सेटअप को इस बॉडी फ्रेम के अंदर फिट करना है। सिंपली आपको इस तरीके से उठाकर इसके अंदर जो है इस तरीके से ढकल कर पूरा सेट कर देना है। देखिए मस्त फिटिंग हो चुका है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे से स्क्रू लगाकर टाइट करना है। साथ में देखिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक का लेग लेके आया हूँ इस टाइप का। ये आपको इजीली मार्केट पर मिल जाएगा इस टाइप का लेग। तो इसको भी हम यहाँ पर स्क्रू लगाकर साथ में ही लगा देंगे। तो चलिए इसको फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चारों स्क्रू के साथ साथ मैं चारों लेग को भी लगाकर फुल टाइट कर दिया हूँ। अब ये जो अंदर का सिस्टम है ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, देख सकते हो मजबूती के साथ जो है फिक्स हो चुका है। और ये चारों लेग की वजह से प्लेन सरफेस पर भी ये काफी बढ़िया से बैठ जाएगा। तो अब हमें जो है इस बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है। तो उसके लिए आपको दो वायर ले लेना है, इसमें से एक वायर को बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पर लगाकर आपको टाइट कर देना है, और दूसरा जो रेड कलर का वायर है इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइस और एक छोटा सा वायर ले लेना है, इसका एक सिरा स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है और दूसरा वाला सिरे को बल्ब होल्डर के इस वाले पॉइंट पर लगाकर टाइट कर देना है। अब गाइस ये होल्डर का जो मेन वायर है, इन दोनों वायर को एसी सॉकेट के दोनों पॉइंट पर लगाकर टाइट कर देना है। तो चलिए इसको लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बल्ब होल्डर का दोनों वायर को एसी सॉकेट के साथ लगा दिया हूँ। अब इस स्विच को ऑन करने पर ये बल्ब होल्डर जो है ऑन होगा। तो यहाँ पर इन्वर्टर का जो एसी आउटपुट का कनेक्शन है वो हो चुका है। अब जो है मेन बैटरी के साथ इन्वर्टर सर्किट बोर्ड का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर बैटरी का दोनों वायर और इन्वर्टर सर्किट बोर्ड का दोनों वायर एक साथ जोड़ लेना है, ब्लैक को ब्लैक के साथ और रेड को रेड के साथ। लेकिन इन दोनों रेड वायर के बीच में इस स्विच का कनेक्शन करना है ताकि स्विच से हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसका।
तो यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसमें लास्ट में दो ही चीज का कनेक्शन करना है, एक ये बैटरी लेवल इंडिकेटर का वायर को कनेक्शन करना है और बैटरी को चार्ज करने के लिए एक ये 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट का कनेक्शन करना है। ये सॉकेट हम यहाँ पर होल करके लगाएंगे। तो कनेक्शन मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट हमारा बैटरी के साथ ये दोनों वायर कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और इंडिकेटर का भी सेम पॉजिटिव पॉजिटिव पे, नेगेटिव नेगेटिव पे लगा देना है। और देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट बैटरी के वायर के साथ लगाना है, ब्लैक में तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और बैटरी में से जो ये रेड कलर का वायर आया हुआ है इसमें लगाना है, स्विच के इस साइड में नहीं लगाना है, बैटरी के साइड में वायर पे लगा देना है। चलिए इन दोनों को फटाफट मैं इसमें जोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जितना कनेक्शन था वो सब कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में एक बार आपको पूरा कनेक्शन जो है ध्यान से देख लेना है, उल्टा कनेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा मैं बताया हूँ ऐसे ही कर देना है, और उसके बाद इस ढक्कन को पैक कर देना है। मस्त हो गया, अब चलिए चिपका देते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन को चिपकाने के बाद मैं ऊपर हैंडल भी लगा दिया हूँ, इस तरीके से हम उठा कर ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी है, उठाना नहीं है, एक जगह पर फिक्स रख देना है। तो चलिए अब टेस्टिंग वगैरह वो सब बाद में करेंगे, पहले इसको कलर करके लेके आता हूँ। तो मैं इस कलर करके लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पर सिल्वर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन में काफी मस्त ये इन्वर्टर लग रहा है। मुझे तो ये कलर काफी अच्छा लगता है, हर वीडियो पे मैं इसी कलर का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा कलर भी इसमें कर सकते हैं। तो अभी जो है टेस्टिंग का बारी है, तो चलिए सबसे पहले इस इन्वर्टर को चार्ज करके दिखाते हैं। तो चार्जिंग करने के लिए मैं इस वाले चार्जर का यूज करूंगा, ये होममेड चार्जर है, इसे मैं खुद बनाया हूँ, इसका फुल मेकिंग वीडियो देखना है तो इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, और ये ऑल इन वन चार्जर है, किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो चलिए इस चार्जर को मैं अभी स्विच बोर्ड पर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ग्रीन लाइट जल चुका है, चार्जर अभी ऑन है। अभी चलिए इस चार्जिंग पिन को इन्वर्टर के सॉकेट पर लगा देता हूं। देखिए यहां पर ग्रीन से रेड लाइट हो चुका है चार्जर पर, तो मतलब ये इन्वर्टर जो है अभी चार्ज हो रहा है। तो कुछ देर तक इसको चार्जिंग करने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस काफी टाइम हो चुका है, फिर से चार्जर का ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब इन्वर्टर का बैटरी जो है फुल चार्ज हो चुका है। तो चलिए चार्जिंग पिन हटा देते हैं, और इस इन्वर्टर का बैटरी लेवल चेक करने के लिए इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर बैटरी लेवल जो है फुल है इसका। तो चलिए अभी इसे ऑन करते हैं, ये वाला स्विच इसका मेन स्विच है, तो फटाफट ऑन करते हैं। इन्वर्टर अभी ऑन हो चुका है, डायरेक्ट अभी 200 वाट लोड देकर देखेंगे ये चला पाता है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक 200 वाट का काफी बड़े साइज का बल्ब ले लिया हूँ, फटाफट इसको होल्डर में लगा लेते हैं। तो ये बल्ब लग चुका है, और ये वाला स्विच इस बल्ब का जो है स्विच है, फटाफट ऑन करते हैं। देखिए 200 वाट का फुल लोड यहाँ पर चल रहा है, और 200 वाट का लोड चला दिया मतलब काफ़ी सारा चीज़ जो है इस इन्वर्टर से चला सकते हो। देखिए गाइस काफ़ी मस्त यहाँ पर ग्लो हो रहा है। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं इस वाले LED बल्ब को जला कर दिखाऊंगा। ये देखिए ये 20 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब जला दिया मतलब ये तो मक्खन के जैसा चलेगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ सही से जल रहा है या नहीं। देखिए फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर ग्लो हो रहा है, मस्त यहाँ पर ग्लो हो रहा है। तो ये इन्वर्टर जो है फुल पावर के साथ जो है आउटपुट दे रहा है, और यहाँ से दोनों जो सॉकेट लगा हुआ है इसमें से कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वो एक बार चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। देखिए गाइस AC 211 वोल्ट 60 हर्ट्ज में जो है आउटपुट दे रहा है वोल्टेज, तो काफी मस्त यहाँ पर वोल्टेज जो है आउटपुट हो रहा है। अब चलिए मोबाइल वगैरह चार्ज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए मैं चार्जर ले लिया हूँ मोबाइल का, फटाफट इस AC सॉकेट में लगा लेता हूँ, और ये चार्जिंग पिन जाएगा डायरेक्ट फोन में। देखिए लगा दिया हूँ, और यहाँ पर फोन चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, साथ में यहाँ पर मोबाइल जो है फास्ट चार्ज हो रहा है, डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से चार्ज हो रहा है इसलिए ये फास्ट चार्ज हो रहा है। अब चलिए दूसरा एक सॉकेट में और एक फोन चार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये भी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, और साथ में ये वूक चार्ज हो रहा है, तो मतलब फास्ट चार्ज हो रहा है ये फ़ोन। तो दोनों फ़ोन जो है हमारा एक साथ में फास्ट चार्ज हो रहा है, और ये LED बल्ब भी काफ़ी मस्त ग्लो हो रहा है। अब चलिए मैं डायरेक्ट इसमें जो है टेबल फ़ैन चलाकर दिखाऊंगा आपको। तो दोनों चार्जर को मैं साइड कर देता हूँ, टेबल फ़ैन, ये रहा टेबल फ़ैन, ये वाला कॉर्ड मैं इसको लगा देता हूँ। देखिए फैन को लगाने पर ये LED का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये फैन जो है काफ़ी मस्त घूम रहा है, हाई स्पीड के साथ मस्त हवा दे रहा है। गर्मी में इस इन्वर्टर से आप इस फैन को चलाकर मस्त हवा खा सकते हो। चलिए फैन को ऑफ कर देता हूँ, वीडियो अभी खत्म करने का टाइम। देखिए जैसे मैं ऑफ किया हूँ फैन को, LED का ब्राइटनेस फिर से बढ़ गया है, तो थोड़ा बहुत पावर जो है डिवाइड हो जाता है इसलिए पावर कम हो जाता है।
लेकिन ये इन्वर्टर जो है मस्त पावर दे रहा है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो इस गर्मी में पंखा चलाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए और बल्ब वगैरह चलाने के लिए। तो काफी मस्त इन्वर्टर है, आप इजीली घर पे ही बना सकते हो। तो ये इन्वर्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।